किसका मोबाइल लेने आ रहा है? ये देखो मार देगा वो, क्या चुका है? कौन से फ्लोर पे जाना है? सो गाइस, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे गेस्ट हाउस में, और जो पहले वाला गेस्ट हाउस था वो तो हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो दूर भी था और आने जाने बहुत मुश्किल हो रहा था, तो अभी फिलहाल यहाँ पर जाएंगे। सो गाइस, अभी दूसरे हम लोग दूसरे गेस्ट हाउस में आ गए। यहाँ पर भी बड़ा अच्छा माहौल है, एकदम ओपन ओपन एरिया है। हाँ, यहाँ से चढ़ना मत ऊपर, ये वाला नहीं, वो वाला नहीं ले रही, ये वाला ले रही। देख ली इसको, कहीं नहीं लिखा इसके साथ। देखो कैसा है। हाँ बढ़िया है, हाँ सही है, परफेक्ट। सो गाइस, ये है अभी के लिए फिलहाल हमारा आशियाना, दो दिन के लिए। हाँ तो यहीं रुकेंगे। देखो छोटी सी कॉम्पैक्ट सी अलमारी भी है, टूर भी दे देता हूँ आपको। ये है देखो एंट्री, और ये देखो ये लॉबी एरिया है, पूरा ओपन ओपन एरिया है। इसके बारे में बाद में देख बात करेंगे, नीचे देखते हैं। और फिलहाल अंदर चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, सामान रख लेते हैं। हाँ बोलो, हाँ इसके अंदर ही छुपना है। चलो ठीक है। और ये है अपना एक छोटा सा बाथरूम, लाइट कहाँ है। तो ये हो गया अपना बाथरूम, कॉम्पैक्ट सा है, बढ़िया है। और क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग घूमते फिरते रहेंगे तो यहाँ पर तो सामान रखा रहेगा, बस रात को सोने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो मेरे हिसाब से हमारी जरूरत एकदम पूरी होती है। और जैनेट, अहान और जैसिका बाहर गए हैं टाउन लेने, तो मैं भी चलता हूँ फिलहाल, फटाफट देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सो देखो कितना ओपन एरिया है। जैनेट अच्छा लग रहा है, ये तो ऐसा लगा जैसे हमारे घर की छत हो। तो दैट्स अ गुड पार्ट, यहाँ से पूरा देखो नजारा भी दिखता है। ये देखो हम यहाँ पर भी थे, अरे वाह। सो देखो अभी हम नीचे खड़े हुए थे, मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको। अभी हम वहाँ पर कॉफी पी रहे थे, यहाँ पर हम उतरे थे और वो एंट्री है। फिलहाल रूम में चलते हैं, बाकी के काम निपटाते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं, शूज वूज उतार लेते हैं, चप्पलें पहन के फ्री माइंड से दोबारा आपको कैचअप करते हैं। फिलहाल रिक्शे में बैठ गए हम लोग, देखो सारे रिक्शे में बैठे हुए हम लोग, और फिलहाल जा रहे हैं निधिवन, निधिवन के दर्शन करेंगे। कैसा लग रहा है? इस पर रख लेता है, इस पर ऊपर ऐसे रख, कुछ ऐसे रख, हाँ दूसरा ही रख लेते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग घूम रहे हैं कुंज की गलियों में, ये देखते हैं। ये है वृंदावन की कुंज की गलियां। सो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं निधिवन, और अभी यहाँ दर्शन करेंगे निधिवन के। और आहान देखो थक गया है, तो उसको मैं गोदी में लेके चल रहा हूँ फिलहाल तो। और हमें बच गया बेटा, नीचे को बनना पड़ेगा तुम्हारे को। बड़े चले आगे की तरफ, ये देखिए आ बेटा मेरे पास आ, थोड़ा सा हैंड वॉश कर लिए। हाँ हाँ, दादी मम क्या होती है इधर? अच्छा, जैसे सिंगार चलता है 16 सिंगार, और जो फिर आप वहाँ चाहते हैं तो वहाँ से रात का जो यूज का सिंगार होता है वो घर ले जाने के लिए आपको मिलता है, जो नहीं जानते वो यहाँ से लेते हैं 16 सिंगार, पूरा 150 का देते हैं। इसी का यहाँ महात्म है, और कोई भगवान का यहाँ भोग वगैरह नहीं लगता है। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा ताली मारो, हंसी करो, आ हा हा कहते हैं जो वृंदावन, ताली मारो जाने जो वृंदावन में हंसता उसी में घर बसता है। राधे राधे बोल कर आना है, राधे 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 राधे। तो आज जो कलयुग में पूजा होती है वो होती है राधा और कृष्ण की, क्योंकि भगवान ने शादी किया था रुक्मणी से, मगर रुक्मणी को भी अलग क्यों अलग कर दिया? क्योंकि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खाए थे बचपन में, तो भगवान ने सुदामा जी को 12 साल के लिए दरिद्र कर दिया था। दरिद्र का मतलब खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं था सुदामा जी के पास। तो 12 साल में सुदामा जी द्वारका जा रहे थे, तो उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी ने कहा कि गुरु के घर बहन के घर और भगवान के खाली आते खाली नहीं जाना चाहिए, तो 5 घर जाके भीख में 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाए सुशीला जी और सुदामा जी को दिया। तो 3 मुट्ठी चावल लेके सुदामा जी द्वारका गए, भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाया, 1 लोग का संपत्ति दिया।
दो मुट्ठी चावल खाए दो लोग का संपत्ति दिया, तीसरा मुट्ठी चावल खा रहे थे रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया, उसी टाइम भगवान ने रुक्मणी जी को श्राप दे दिया, जाइए कलयुग में तुम्हारा हमारा पूजा नहीं होगा, हमारा और राधा का पूजा होगा। तुमने धर्म को रोका, राधा ने धर्म में डक्का लगाया। धर्म पत्नी का मतलब होता है धर्म में डक्का लगाना, क्योंकि तीन चीजों में कभी एक नहीं होता, स्त्री विद्या और धर्म। जिसकी स्त्री होती है वो उनके काम आती है, जो धर्म करते हैं उनके काम, उनके बच्चों के काम आता है, और जिनकी डिग्री होती है वो उन्हीं के काम आती है, किसी और की काम नहीं आती। तो तीन चीजों में कभी एक नहीं होता, स्त्री विद्या और धर्म। तो प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन हरी लाल की जय। देखिए भैया इस वन को तीन नाम से पुकारते हैं, पहला इसको बोलते हैं निधि वन, निधि माने राधा, वन माने जंगल। दूसरा इसको बोलते हैं मधुवन, के मधुवन में राधे का नाचे गिरधर की बोली आवाज है। और तीसरा इसको बोलते हैं ओल्ड वृंदावन, पुराना वृंदावन, क्योंकि आज से 5.5 हज़ार वर्ष पहले द्वापर युग में सारा वृंदावन ऐसा जंगल था। जो जितने वृक्ष देख रहे हैं, हमारे यहाँ दो प्रकार की तुलसी होती है, एक श्याम तुलसी होती है जो घर में पौधा लगाते हैं ना, भगवान के भोग में डालते हैं। सो गाइस फिलहाल हम लोग आए हैं अभी जहाँ पर कृष्ण जी रास रचते हैं गोपियों के साथ, तो ये वही स्थल है ये देखिए। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हम लोग निधि वन भी गए थे, है खाना, खाना भी खाएंगे अभी। और इन लोगों की बहुत ज़्यादा ठंड की हवा चल रही है, बहुत तेज, हाँ नहीं तो देखो टोपी पहन ली है, लेकिन बारिश हो रही है। हाँ हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और पंडित जी से भी बहुत लंबी वार्तालाप हुई, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सारी चीज़ें टाइम पे हो गई, हम तो सिर्फ घूमने के लिए निकले थे, यही बीच में ही हम लोगों ने अपना जाने का इंतजाम कर लिया, तो हमें ज़्यादा वृंदावन की गलियों के थोड़े से दर्शन कराता हूँ देख के। रेस्टोरेंट खाना खाने की बाजू में, तो बाजू बात की बाजू। अभी हम लोग फिलहाल बैठे हमने ई रिक्शा में, बारिश हो रही है, देखो इस मौसम में ही बारिश हो रही है, यहाँ बारिश होती है क्या, इधर बारिश होती है इस मौसम में, बारिश का मौसम नहीं है, अच्छा। सो गाइस फूड हमारा आ चुका है और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, और ये देखिए ये है हमारी थाली, क्योंकि यूजुअली हम बाहर आते हैं तो थाली लेते हैं, थाली आ चुकी है, जैनेट जिद कर रही है कि उसको कुछ और खाना है, लेकिन जो भी इसको तो अभी यहाँ से पकड़ेंगे ई रिक्शा, ठंड तो ज़्यादा हो गई है, देख रहे हैं कोई ई रिक्शा मिल जाए या पैदल पैदल चलने को भी सही रहेगा, लेकिन बारिश है। सो गाइस फिलहाल खाना वगैरह खा के हम लोग आ गए हैं, और आते आते रुके टी स्टॉल पे, क्योंकि चाय पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय, और आहार में देखो किसी की चाय, हाँ वो सामने जो बैठे हुए उनकी चाय भी गिरा दी। सो ये दोनों बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, फिलहाल तो हमारा जो गेस्ट हाउस है पास में ही है, तो इसलिए हम लोग रुक गए थे। और देखिए मार्केट भी क्लोज हो गई है, और छोटे शहरों में ये बहुत अच्छी बात होती है कि डिसिप्लिन पार्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है, मतलब जैसे ही रात हुई टाइम हुआ सब चीज़ें बंद हो जाती है अपने अपने टाइम पे। ये देखो अभी भी शैतानी से मान नहीं रहे लोग। सो गाइस खाना वाना खा के हम लोग आ गए हैं, चाय भी पी ली, और अभी मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ, देखो आ, आ। कौन बैठा है, सो रहा था बेचारा, जगा दिया उसको बेटा, वो बारिश से बच के सो रहा है। सो गाइस फिलहाल हम लोग अपने रूम में वापस आ गए हैं, और अभी फिलहाल मैं बैठूंगा एडिटिंग पे, क्योंकि आज पूरा दिन घूमते फिरते रहे तो एडिटिंग मेरी नहीं हो पाई है, अभी मैं एडिटिंग शुरू करूंगा, जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा ब्लॉग आ जाए,
और आप लोग उसको प्रॉपर देख पाए। सो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिल सके सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।